प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में इंदौर के वार्ड क्रमांक 44 में पूर्व पार्षद रुपेश देवलिया द्वारा निशुल्क कोविड-19 वैक्सीनेशन का 3 दिवसीय शिविर लगाया गया। वहीं लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह को देखते हुए रंग पंचमी पर भी वैक्सीन लगाई गई। दिन भी यहाँ पर शिविर लगाया गया कोविड वैक्सीन का, तो किस तरह का यहाँ पर प्रभाव मिला है? देखिए, आज रंगपंचमी का उत्सव तो जरूर है, लेकिन हमारे इंदौर में जिस तरह से कोविडों के पेशेंटों की लगातार वृद्धि हो रही है, उसको ध्यान रखते हुए आज टीकाकरण उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो हमारे वार्ड क्रमांक 44 में आज भी ये शिविर का लगातार दूसरा दिन है और आज इसको हमने यहाँ पर लगातार जारी रखा है और तकरीबन 150 लोग अभी तक यहाँ पर से निःशुल्क टीकाकरण करा के जा चुके हैं। आपका नाम बता दीजिए। रुपेश देवलिया, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 44।